हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे हैं। तो आगे बात करते हैं जहां पे पहले ओडीआई में भारत से एक तरफा मिली हार के बाद साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त कमबैक करते हुए दूसरे ओडीआई में भारत को 8 विकेट से हरा दिया और सीरीज में एक एक की बराबरी भी कर ली। अब दोनों टीम्स को 21 दिसंबर को सीरीज का थर्ड ओडीआई मैच होगा। जो भी टीम यह मैच जीतेगी वह सीरीज पे कब्जा जमाएगी। तो बात करते हैं 21 दिसंबर को होने वाले थर्ड ओडीआई मैच की। यह मैच पाल के बोलान पार्क में खेला जाएगा या भारत को मैच जीतना ही होगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करते हैं जहाँ पे मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 87% रहेगा, टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे फर्स्ट बैटिंग का बात करें तो यहाँ पे 43% जीतने का उम्मीद है। वहीं अगर बॉलिंग टीम की बात करें तो जहाँ पे 57% जीतने का उम्मीद है। अब अगर बढ़ते हैं, चलते हैं पिच रिपोर्ट देखते हैं। तो पिच रिपोर्ट में बात किया जाए फर्स्ट इनिंग में, तो फर्स्ट इनिंग में दोस्तों 80 रन लग सकते हैं। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा रन कम सकता है, 214-15 के एवरेज में जाएगा। अब अगर पढ़ते हैं, चलते हैं टॉस प्रिडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पे टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग कर सकती है। वहीं अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं तो टोटल मैच 92 खेला गया है, जहाँ पे इंडिया 38 मैच जीत के आ रही है तो साउथ अफ्रीका 51 मैच जीत के आ रही है। अब अगर पढ़ते हैं टीम इंडिया का शॉट एनालिसिस करते हैं। तो लास्ट मैच में टीम में हर डिपार्टमेंट में फ्लॉप थी। अगर बैटिंग यूनिट में बात करें तो टीम के हीरो रहे साई सुदर्शन, जिन्होंने लगातार दूसरे मैच में भी 50 प्लस मारा। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो कप्तान केएल राहुल ने भी स्ट्रगल करते हुए 50 मारा। इन दोनों को छोड़कर कोई भी बेहतर रन नहीं बना सके। टीम 211 पर ऑल आउट हो गई थी। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में लगभग सभी बॉलर फेल थे। यहाँ पर कोई भी बॉलर यहाँ पर इफेक्टिव नहीं दिखाई दिए हैं। बस अर्शदीप को एक विकेट मिला और रिंकू सिंह ने भी एक विकेट निकाला। अब बात करते हैं इंडिया का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पर ऋतुराज गायकवाड है, साई सुदर्शन है, तिलक वर्मा है, केएल राहुल, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, अवेश खान और मुकेश कुमार है। बात करते हैं साउथ अफ्रीका का शॉट एनालिसिस करते हैं दूसरी टीम। तो लास्ट गेम में टीम ने अच्छा कमबैक किया और 8 विकेट से मैच को जीता। बैटिंग में तो टीम के हीरो रहे टॉनी डे जॉर्जी, जिन्होंने अपने करियर का पहला शतक लगाया, नॉट आउट में 119 रन बनाए। वहीं रिजा हेंड्रिक्स ने 52 रन की इनिंग खेली। डेविड मिलर है, हेनरिक क्लासन को चांस नहीं मिला था। बॉलिंग में टॉप परफॉर्मर की बात करें तो जहाँ पे नैडरी बर्गर हैं, जिन्होंने 30 रन देकर 3 विकेट लिए। अब बात करते हैं जहाँ पे प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे रिजा हेंड्रिक्स है, टॉनी डे जॉर्जी, वान देर दुसन है, एडम मकराम है, हेनरी क्लासन है, डेविड मिलर है, वियान मुल्डर है, केशव महाराज, नैडरी बर्गर, लिजार्ड विलियमसन और ब्यूरन हेंड्रिक है। तो हवा की बात करते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। तो जहाँ पे दोनों टीम्स के स्क्वाड और रिसेंट परफॉर्मेंस के देखते हुए दोनों टीम्स इक्वल लग रही है। दोनों टीम्स हैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो कभी भी मैच निकाल सकते हैं। अगर प्रिडिक्शन की बात किया जाए तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर इंडिया होगा, भारत जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा सकती है। तो फाइनली दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करा, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।